हाय गाइज़ दिस इज़ सोमै एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप और आज के वीडियो में मैं सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ तो उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ इम्पॉटेंट पॉइंट बताऊँगी उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे ओके चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल तो सबसे बेसिक पॉइंट है इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ओके स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को क्यों यूज़ करते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए और फ़्लो कंट्रोल हमारा किस पे आता है डेटा लिंक लेयर पे तो आप कह सकते हैं कि जो सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल है कौन से लेयर पे काम करता है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है और क्यों काम करता है फ्लो कंट्रोल के लिए ओके okay? अच्छा अब हम आते हैं सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में क्या फीचर्स हैं इन दिस प्रोटोकॉल सेंडर विंडो साइज इज इक्वल्स टू रिसीवर विंडो साइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ एन बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर अगर हमें एन बिट्स की रिक्वायरमेंट है सीक्वेंस नंबर के लिए तो सेंडर विंडो साइज क्या हो जाएगा टू की पावर एन माइनस वन ओके अगर आपको दिया है कि एन बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर तो आप हमेशा क्या कहोगे कि टू की पावर एन माइनस वन क्या हो जाएगा सेंडर और रिसीवर की विंडो साइज़ क्यों क्योंकि सेंडर रिसीवर विंडो साइज़ सेम होती है ठीक है ओके और इसी के साथ अगर मैं एक चीज़ और बता दूँ टोटल अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड तो टोटल नंबर ऑफ़ सीक्वेंस नंबर इज इक्वल्स टू सेंडर विंडो साइज़ प्लस रिसीवर विंडो साइज़ ठीक है अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी गिवन प्रॉब्लम में आपको बता दिया जाए सेंडर विंडो साइज़ ये है फ़ाइव ठीक है सेंडर विंडो साइज़ फाइव है तो आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ़ सीक्वेंस नंबर कितने चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सेंडर विंडो साइज़ फ़ाइव प्लस रिसीवर का भी विंडो साइज़ क्या हो जाएगा फ़ाइव प्लस बस इस और इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करेंगे सॉरी तो फाइव प्लस फाइव इज इक्वस टू टेन तो टोटल नंबर ऑफ़ सीक्वेंस नंबर रिक्वायर्ड इज इक्वस टू टेन ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको ध्यान रखिएगा अब हम आते हैं इफिशियंसी क्या होती है सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल की तो इफिशियंसी इज इक्वस टू सेंडर विंडो साइज इन प्रोटोकॉल अपॉन वन प्लस टू ए ठीक है एंड इफ सेंडर विंडो साइज इज एन तो हम क्या कहेंगे इफिशियंसी इज इक्वस टू एन अपॉन वन प्लस टू ए वेयर ए इज इक्व टू टी पी अपॉन टी टी वेयर टी पी इज प्रोपागेशन डिले और दिस इज़ ट्रांसमिशन टाइम और ट्रांसमिशन डिले ठीक है तो ए हमेशा हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं टी पी अपॉन टी टी चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ आपको एक क्वेश्चन दिया है कंसीडर अ वन कंसीडर अ वन क्रॉस 10 पावर थ्री बिट्स पर सेकेंड सेटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम नोट हाईलाइट करते चले सेटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक विथ वन वे प्रोपोगेशन डिले ऑफ वन फिफ्टी मिली सेकेंड ठीक है आपको क्या कहा प्रोपगेशन डिले दे दिया कम्युनिकेशन लिंक मतलब आपको बैंडविट भी दे दी ठीक है अब देखते हैं किस प्रोटोकॉल को यूज़ करना है सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल को यूज़ करना है इज़ यूज ऑन दिस लिंक टू सेंड डेटा विद फ्रेम साइज ऑफ़ वन के बी ठीक है फ्रेम साइज आपको क्या दे दिया वन के बी तो आपसे पूछा क्या गया है कि द मिनिमम नंबर ऑफ़ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर फील्ड टू अचीव हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन ये आपका सवाल है तो जो इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं बैंडविथ आपको बता दिया है प्रोपोकेशन डिले क्वेश्चन में दे दिया है फ्रेम साइज और बाकी चीज़ें आपको खुद से कैलकुलेट करनी है तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फाइंड की है और उस पर नंबरिंग भी की है कि इस्टेप वन क्या है तो अगर आपको पहले तो टू अचीव द हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन सेंडर विंडो साइज़ शुड बी वन प्लस टू ए ठीक है जैसा मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पर बताया था कि ए की वैल्यू क्या होती है टी पी अपॉन टी टी ठीक है ए इज़ इक्वस टू टी पी अपॉन टी टी तो हमारे पास प्रोपोगेशन टाइम तो है टी पी तो है लेकिन टी टी नहीं है ठीक है तो ए को फाइंड करने के लिए हमें टी पी और टी टी दोनों पता होने चाहिए इसलिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा ट्रांसमिशन टाइम तो हम देखते हैं वो हाउ टू फाइंड द ट्रांसमिशन डिले ट्रांसमिशन डिले टी टी इज़ इक्वस टू फ्रेम साइज़ अपॉन बैंडविड्थ ठीक है दिस इज़ फ्रेम साइज अपॉन बैंडविथ ओके और इसके बाद हमें देखिए हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया फ्रेम साइज़ रख दी वन के भी अपॉन बैंडविथ को पुट कर दिया तो जो आंसर मिल रहा है दैट इज़ सिक्सटी फोर मिली सेकेंड ठीक है तो हमें ट्रांसमिशन टाइम मिल गया प्रोपगेशन डिले हमें पहले से मिला हुआ है ठीक है ट्रांसमिशन टाइम फिर से एक बार ये हमारा ट्रांसमिशन टाइम हो गया और प्रोपोगेशन डिले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था तो सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे ए मतलब आपका जो सें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टी पी टीटी टी टी वैल्यूज़ को पुट किया तो ए की वैल्यू हमें मिल गई टू पॉइंट थ्री फोर ठीक है और एक चीज़ हमेशा आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन चाहिए तो आपका जो सेंडर विंडो साइज़ है दैट शुड ऑलवेज बी वन प्लस टू ए ठीक है ये फॉर्मूला है तो अब हम देखेंगे हमने ए की वैल्यू यहाँ पे ऑप्टिमल सेंटर विंडो साइज़ हमारा क्या हो जाएगा वन प्लस टू ए हमने वैल्यूज़ को पुट किया आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो वैल्यूज़ को पुट किया तो हमें वैल्यू क्या मिल गई सिक्स ठीक है ए की वैल्यू देखिए सिर्फ ए की वैल्यू रखी है टू पॉइंट थ्री फोर तो सेंटर विंडो साइज़ क्या हो गया फाइव हमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर अगर आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ़ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी सीक्वेंस नंबर आर रिक्वायर्ड तो अभी मैंने बताया था तो टोटल नंबर ऑफ़ सीक्वेंस नंबर इज इक्वल्स टू सेंडर विंडो साइज़ प्लस रिसीवर विंडो साइज़ ठीक है तो ये मैंने ये वाला पॉइंट ये हाईलाइट किया हुआ है कि सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में टोटल सीक्वेंस नंबर इज इक्वस टू सेंडर विंडो साइज़ प्लस रिसीवर विंडो साइज दैट इज़ सिक्स प्लस सिक्स इज इक्वस टू ट्वेल्व और ये हमें सिक्स कहाँ से मिल रहा है जैसा मैंने बताया ऑप्टीमल सेंडर विंडोज इक्वल्स टू वन प्लस टू इस हमने निकाला है तो हमें ये वैल्यू मिल रही है सिक्स ठीक है और फॉर्मूला के साथ यहाँ पे सीलिंग वैल्यू भी हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें सीलिंग वैल्यू लेके ही चलना है तो हमें नंबर ऑफ़ टोटल नंबर ऑफ़ सीक्वेंस नंबर इज़ ट्वेल्व तो ट्वेल्व को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बिट्स चाहिए ये बताना है तो हम क्या करें लॉग ऑफ ट्वेल्व कर लें ठीक है लॉक ट्वेल्व बेस टू तो अब देखिए टू की पावर हम लगाते जाए अगर हम टू की पावर थ्री लिखेंगे ठीक है टू की पावर थ्री लिखते हैं तो ये सिर्फ एट तक रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो इसीलिए हम क्या करेंगे अगर आप टू की पावर फोर लेते हैं तो ये सिक्सटीन रिपीट यूज़ करेगा हो सकता है कुछ हमारे कुछ बिट्स uh, हमारे वेस्ट हो जाए है ना तो अभी हमें क्या करना है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू लॉक ट्वेल्व बेस टू तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा फोर सो नंबर ऑफ़ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सीक्वेंस नंबर फील्ड इज इक्वल्स टू फोर हमारा सही आंसर है फोर ठीक है तो अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आ जाएगा और अगर आपको कुछ पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए अगर आपको पसंद आता हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू